हमारे साथ नजीर भाई कश्मीर श्रीनगर डल लेक से, और आप देख रहे हैं नोमैडिक हनी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अभी अभी। तो ये है मेरा रूम जहाँ पे कल मैं रात में रुका था। तो इसके लिए मैंने 2000 रुपये पे किए और कुछ डिस्काउंट मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये मान नहीं रहे और बता रहे हैं हाउस बोट का इतना ही चार्ज जाता है। ये इसमें हुआ क्या है? क्या? इसमें काम करना पड़ता है, रिपेयरिंग करना पड़ता है। ठीक ठीक। तो भैया मेरे लिए लाए अभी कुछ ब्रेकफास्ट और चाय। तो कश्मीरी ब्रेकफास्ट, कश्मीरी क्या मतलब ऑमलेट और ब्रेड होना चाहिए, तो यहाँ का ब्रेड जो होता है वो ऐसा होता है। तो अब निकलता हूँ मैं झील की तरफ भैया स्कूटी में मेरे को छोड़ देंगे वहाँ पे। तो रात में जिस हाउस बोट में रुका था उसका नाम था क्वीन मैरी, जैसे मैंने आपको दिखाया बोर्ड अभी पीछे लगा हुआ है। और ये था दूर से अगर आप देखोगे तो श्रीनगर में मैं स्कूटी से घूम रहा हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भैया की वजह से हुआ ये, और भैया ने मुझे डल लेक तक छोड़ने के लिए बोला है। शिकारा जहाँ ये लोग बोलते हैं, शिकारा और डल लेक एक ही चीज़ है ना भाई? छोटा। अच्छा अच्छा, घूमने के लिए। तो बस अब यहाँ से ATM जाता हूँ, पहले पैसे निकालता हूँ, इनको पे करते हैं मुझे रात में जो मैं रेंट रुका था। तो यहाँ से डल लेक जो है स्टार्ट हो गया और शिकारा करने के लिए हम आए। तो 2100 रुपये मैंने अभी पे किए रूम का रेंट के, और भैया ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है 100 रुपये उसके, और वापस भी लेने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं उतना हो जाएगा। और बाकी अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ के प्राइस क्या हैं और फिर उधर से घूम के भी जाऊँगा। मैं 500 रुपये पे कर दूंगा मैं, बताओ कहाँ बैठा। अरे तो मुझे पूरा 8 पॉइंट थोड़ा ना घूमना है जो आप सोच रहे हो, मुझे 2-4 पॉइंट घूमने बस, घुमा के एक दो घंटे तक घुमा के वापस ला दो। गवर्नमेंट का रेट है 700 रुपये घंटे का, गवर्नमेंट का रेट है। तो आगे मैं रेट पता कर लेता हूँ। बोर्ड आ गया आपको जहाँ रेट लिखा है, इसमें क्या है में चीटिंग वाली क्या चला लगता हूँ? बोर्ड देखो, वो बोर्ड से जो पैसे होगा 100 रुपये कम जा जाने। चाचा गलत है, तो वो चाचा प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, इनको कन्विंस कर रहा हूँ मैं। और 1400 रुपये में बोल रहे हैं चाचा, और मैं इनसे बोल रहा हूँ 1000 रुपये ले लूँ। 400 रुपये भी कम नहीं कर सकते चाचा आप, जनता को देख के बताओ। बेटा ये रोड है ना बहुत बड़ा बेटा, अच्छा अगर छोटा होता था ये घुमाना है। वो 1400 रुपये में डील फाइनल हुई है हमारी, और बस चाचा निकल लेंगे। बैटरी भी डाउन हो गई यार GoPro की, चार्ज लगाना है। एक बार मुझे जरा पावर बैंक निकाल लूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग होगी। चाचा चाची की कसम है आपको, आप मुझे बढ़िया तरीके से घुमाना है, ठीक है? ठीक, हाँ बता रहा हूँ मैं पहले। तो बोट हमारी निकल गई है बहुत ही तेजी में। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ उस जगह का नाम है गोल्डन लेक। स्टार्ट हो चुकी है मेरी बोटिंग, आप देख रहे हो यहाँ पे हाउस बोट, इस वजह से इसका नाम है गोल्डन लेक। तो हल्के हल्के चल रहे हैं हम और मज़ा आ रहा है काफ़ी। पास में बगल में वो बोट भी आ रही है। चाचा उसको क्या कहते हैं जो बेचने आ रहे हैं है? जो बेचने के लिए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या मतलब? अभी जो बोट आ रही है जो हाँ, तो अब आया हूँ मैं चाचा के पास कुछ बातें उतें करने के लिए और कुछ पूछने के लिए। कितने टाइम से आप चला रहे हो चाचा? मैं चलाता हूँ 25 साल से शिकार।
शिकारा 25 साल से आप कर रहे हो। पर चाचा एक बात बताऊं। बोलो बेटा। पूरे कश्मीर में मेरे जैसा नहीं मिलेगा कोई। बहुत बढ़िया लड़का। आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आपकी बीवी बहन के लिए कुछ सिगरेट का पाइप। ये कितने का है? ये मैं एक अपने दो। अरे बहुत महंगा है। ये ब्रॉन्ज का है बेटा, ये पीतल का है। ये लोकल नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। ये मैं ले सकता हूँ मैं अपने दोस्त के लिए। सिगरेट का पाइप है पर अपने लिए नहीं, दोस्त के लिए ले रहा हूँ। गलत मत समझना। ये इससे उसका पीते हैं। चलो करके मिलेगा, वो मौका मिलेगा। जो भी देखेगा हैरान हो जाएगा कहाँ से ला। कोई बात नहीं चाचा, मैंने ये ले लिया। ये देख के भी हैरान हो जाएंगे लोग। धन्यवाद चाचा। ओके। तो चाचा ने मुझे बताया यहाँ से नेहरू लेक स्टार्ट होता है, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। और यहाँ पे राजेश खन्ना जी आए थे एक लोटे में पानी लेके और ऊपर गए थे मंदिर, और उस गाना हुआ था जय जय शिव शंकर। तो थोड़ा सा सुना दो एक लाइन। जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकड़ नाम। पर चाचा बहुत बढ़िया सज्जन पुरुष निकले हमारे, और इन्होंने मेरे से चार्ज किए हैं ओनली 1400 रुपए पूरे लेक को घुमाने का, जिसमें कितने आठ प्लेस आएंगे। डेढ़ घंटा चलाने में, बाकी तीन। आपका नाम क्या है चाचा, नाम बता दो। नजीर। पूरा नाम नजीर भाई। नजीर भाई हमारे साथ है। नजीर भाई कश्मीर श्रीनगर डल लेक से, और आप देख रहे हैं नोमैडिक हनी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अभी बिल्कुल। 370 जो हटी है धारा, ये इस वक्त बोलता है, सुनो। ये बोलता है कश्मीरी को 370 वापस दो। क्या बोलता है? इसी तरफ इनको वापस हो गया। यहाँ लोग अब तैयार नहीं वो वापस लेने का। हमको फ्रीडम मूवमेंट चाहिए, आजादी। तो आजादी है तो क्या पहले से काफी आजादी हो गई है? कहाँ हुआ आजादी? कुछ नहीं हुआ, जितना पहले था उतना। हमको आर्मी यहाँ बाहर नहीं निकलने, देखो जेल में भी आर्मी। पर एक चीज और है ना चाचा, अगर आर्मी हटा देंगे तो पता ही आपको क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे पाकिस्तान में नहीं चले जाएगा? तो बुद्धू वो कौन वो करता है, इंडियन आर्मी उनके साथ जुड़ जुड़। चाचा ने बताया कि ये है ओपन डल लेक। ओपन डल लेक बना वो गाना परदेसी ने क्या मिलाना नंदा जी का। अच्छा, परदेसी गाना बना जीव से आंखें वाले कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूंगा इसलिए तुझे बना है कश्मीर। अच्छा अच्छा, तारीफ करूं क्या? अच्छा वो भी इधर ही बना है। ओपन डल लेक ये चांद से रोशन चेहरा। हाँ पे हाँ वही तो मैं बता रहा था कि क्या है, क्या है वो तिरंगा। तिरंगा अच्छा ऐसे ही बस, वहाँ फौजी लोग भी रहते हैं। हाँ एक तिरंगा उधर है, एक तिरंगा उधर है। देखो तू बोलता है यहाँ झंडा नहीं, देखो। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बेटा, वो देखो वो है परी महल। चाचा दिल पे मतलब वो बात, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि इंडिया में सिर्फ तिरंगा का झंडा होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। देखो वो होता हमको मस्जिद है, वो जानता हूँ मैं है, लेकिन वो लाल चौक में जो फोटो देखी थी मैंने उसकी मैं बता रहा हूँ। ये आप देखो ना वो पीला झंडा। अरे मैं जानता हूँ ये मस्जिद पे होता निशान नहीं, ये मैं जान रहा हूँ। हरा झंडा वो होता है मस्जिद का, इस्लाम का होता है, वो जानता हूँ। लेकिन वो झंडा देखा था मैंने फोटो में, वो तो पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान का था। कैसे चढ़ेगा वो, कौन चढ़ा? क्या करें, अब छोड़ो कोई बात नहीं, उस बात को रफा दफा करते हैं। तो चाचा ने बोला है कि मैगी खा लो थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा आराम करेंगे। तो ये अब दुकान आई है, चलती फिरती दुकान। तो बना दो एक, क्या करें, एक मैगी। हाँ चाचा आप खाओगे मैगी? ना मैं नहीं खाऊंगा। खा लो यार, हैं आराम से। सब्सक्राइब नोमैडिक हनी। थैंक यू भैया, थैंक यू। दो रीटेक में भैया ने बोला है सब्सक्राइब। सबसे नहीं बुलवाऊंगा, चलो टेंशन मत। शाम को मैं करेगा। हाँ ठीक। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए? तो ये रही हमारी मैगी। भैया 60 रुपये में बहुत कम नहीं दे रहे हो? तो पानी बहुत ज्यादा चिल्ड है। तो चाचा बता रहे हैं कि दीपक कलाल जो है इनके पास आता है और हजार बार आके घूम के जाता है। मैं वो मेरे के बगैर किसे नहीं। मैं भी इसका फैन हूँ चाचा,
मैं भी इसका फैन हूँ। मेरे बगैर वो किसी से नहीं जाएगा, उसको कोई मुफ्त नहीं देगा ना। तो मेरे बगल में आ गया अभी फ्लोटिंग मार्केट और मेरे को रुकना नहीं है यार यहाँ पे भी। नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगा। इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? अच्छा देखना है। तो साबिर भाई का फोन आया था जहाँ पे कल मैं रात रुका था, उन्हीं के होटल में रुका था, उन्हीं के बोट हाउस में रुका था। और तो वो अभी मुझे लेने आ रहे हैं और उसके बाद मेरा बैग लेके आ रहे हैं वो, फिर मुझे हाईवे पे छोड़ेंगे वहाँ से लिफ्ट लेके। तो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी हिच हाइकिंग की। सारे ब्लॉग आ जाएंगे लाइन से, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो हाथों में हो गया दर्द चला चला के। अब मेरी बस की बात नहीं है चलाना। क्या कह रहे हो? देखा कितना लगाना पड़ा उसको, ये गाड़ी नहीं बेटा। किसका, चाची का फोन था क्या? ना, एक बांदे का फोन बोला कहाँ से मिल गया। अच्छा अच्छा ठीक। तो साबिर भाई आ गए हैं लेने के लिए और बोर्ड से बाहर निकलता हूँ मैं पहले। आ जाओ। मैं एक बार अभी गिर गया उधर कर दो। चलो चलो भाई भाई, चाचा धन्यवाद आपको मुझे वहां घुमाने के लिए। चलो फिर आऊंगा। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा यार, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं। और बहुत ही मजा आया है मुझे। बाकी की ब्लॉगिंग आप, बाकी का वीडियो आप अगले पार्ट में देखना। अभी तक के लिए इतना ही। और आज के एक्सपेंसेस जो हुए हैं मेरे वो ये थे कि 2000 रुपये का वहाँ पे जहाँ मैं रुका था रात में भैया के पास, तो वहाँ का चार्ज था, और 1400 रुपये का यहाँ का चार्ज। मतलब ये हुआ 3400 रुपये मुझे लग गए। 3500 ये भैया बोल रहे थे कि मेरे को दे दो और मैं आपको छोड़ भी दूंगा, ये हुआ। मैं माना नहीं, मुझे क्या पता था, मैं सोचा यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माने नहीं वो लोग। तो 3400 रुपये लग गए, सॉरी भैया उसके लिए। तो 3400 लग गए उसके लिए। अब मैं सीधे यहाँ पे निकलता हूँ हाईवे की तरफ, हाईवे से लिफ्ट लेके सीधे जम्मू पहुँचता हूँ। और बाकी का आप अगले वीडियो में देखना प्लीज। तो बाय बाय टाटा। बर रुए जमीयस्त गर फिरदौस, बर रुए जमीयस्त गर फिरदौस, बर रुए जमीयस्त गर फिरदौस, गर फिरदौस बर, गर फिरदौस बर, गर फिरदौस बर रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो।